पप्पू को मैं चुमा कर चुमा देने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर दूंगा। हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज घूमने आया हूँ। मेरा बचपन का स्कूल, मतलब मेरे को 14-15 साल जब चल रहा था तभी मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। तो अभी कुछ बदल गया है। मम्मू नमस्कार। तो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से स्कूल को नहीं आया था। कम से गेट लगाया, अभी तो गेट बना रहे हैं, लकड़ी का गेट लगाए। अंदर जा रहे, चलो अंदर जाके दिखाएंगे तुमको क्या क्या है। दोस्त है, 6 फुट का है, देख सकते हो, काफ़ी हैंडसम है। इनके साथ मैं घूमने आया हूँ। तो स्कूल का काफ़ी कुछ बदल गया है, देख सकते हो। पहले ये सब नहीं था, हमारे पढ़ने का टाइम में ऐसा नहीं था। बहुत कुछ चेंज हो गया है, हमें थोड़ा जलन हो रहा है। तो यहाँ पर बोरिंग था, अभी बोरिंग को यहाँ से हटाकर वहाँ पर डाल दिए हैं। और ये लाइट भी नहीं था हमारे टाइम में। और अभी को बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने के लिए। यहाँ पर क्या लिखा है देख सकते हो, ओडिया में लिखा है। और ये पढ़ सकते हो, डोंट स्पिट हेयर, मतलब यहाँ पर थूकिए मत। तो ये क्लासरूम है 1 नंबर। और ये स्कूल भी काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं। स्कूल है, हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, गॉप ट्यूज हाई स्कूल। तो गाइस देख सकते हो काफ़ी कुछ बदल गया है। यहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं था, बस ये एक था और ये एक था। इन दोनों में हमारा पढ़ाई गुजर गया, 3 साल गुजर गया, 8, 9, 10th। तो गाइस यहाँ पर ऊपर पानी टंकी है, यहाँ पर बड़ा लाइट लगा है और यहाँ पर पार्किंग सीन लगा है, देख सकते हो। बहुत अच्छा अच्छा फूल लगा के रखे यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा है घूमकर। रियली यार, आई मिस दिस प्लेस, आई मिस दिस स्कूल, आई मिस माई स्कूल, माई स्कूल, दिस इज माई स्कूल। रियली आई मिस दिस स्कूल। ये पप्पू को मैं चुमा देने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर दूंगा। हो गया गाइस। जिस बोरिंग का बात मैं कर रहा था, ये वही बोरिंग है, पहले वहाँ पर था, अभी यहाँ पर आ गया है। तो गाइस यहाँ पर एक कुछ बन रहा है, इस मेरे ख्याल से ये टॉयलेट करने के लिए बन रहा है। तो हमारे लिए तो हम बाहर सुसु करने जाते थे, मतलब टॉयलेट या टट्टी करने जाते थे। आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो पहले यहाँ पर था, एक छोटा सा था, लेकिन उसमें हमको परमिशन नहीं देते थे टट्टी करने का। यहाँ पर सारे टीचर लोग करते थे। उसके आगे रोड है, देख सकते हो, इसके आगे बहुत अच्छा नज़ारा है, खेती का नज़ारा है, देख सकते हो। बहुत अच्छा धान चास हुआ है, जो हमें खाने के लिए फसल उगाते हैं वही वाला हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो बाउंड्री लगा है ना, बहुत बड़ा सा लगा है, बहुत कम से कम 2-3 एकड़ का जगह में स्कूल बना के रखे हैं। तो गाइज, तो राम राम भाइयों, आज के लिए इतना ही था। तो हमारा स्कूल आपको कैसा लगा? अगर आपको भी मन लग रहा है पढ़ने के लिए तो स्कूल पे आ जाना, पढ़ने के लिए आ जाना, ठीक है। लव यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो।